रिकॉर्ड कर देना भाई। The harnessing of rivers, the water of which now mostly runs to waste, is great national problem. लेखक ने कहा था कि जो पानी बहकर वेस्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, which must be considered and dealt with on national lines, जिसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर विचार होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर ही ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, लेखक क्या कहता है। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेशनल प्रॉब्लम, सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या क्या है, तो रनिंग एंड गोइंग वेस्ट द रेनफॉल वाटर इज द रनिंग एंड गोइंग वेस्ट द रेनफॉल वाटर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इज द बिगेस्ट नेशनल प्रॉब्लम एंड इट कैन बी डेल्ट Only by making a programs on national line, राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम करके, कार्यक्रम करके इनसे निपटा जा सकता है। West areas of land which are present are mere scrub jungles. लेखक कहता है कि ऐसे west areas जिनको अपन बंजर भूमि भी कह सकते हैं, वह बंजर भूमि जो मात्र scrub jungles है, झाड़ियों के जंगल है, could be turned into fertile, उस जमीन को भी उपजाऊ जमीन में तब्दील किया जा सकता है। एंड परस्पर्स कंट्री बाय क्रेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, और एक अपन ये कहें कि समृद्धशाली देश के मिट्टी के रूप में या समृद्धशाली देश को बनाया जा सकता है, कैसे, बाय क्रेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, सुनियोजित तरीके से काम करके और साहसिक कदम उठाकर। देखिए लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि बहुत सारी जो जमीन है, जो भूमि है हमारे देश की, वो वेस्ट है, वो बंजर है, और ऐसी जो बंजर भूमि होती है, ऐसी जो बंजर भूमि होती है, उस बंजर भूमि को भी फर्टाइल लैंड में चेंज किया जा सकता है, उपजाऊ जमीन में बदला जा सकता है। और क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन द वेस्ट लैंड कैन बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल लैंड, यानी कि बंजर भूमि को फर्टाइल लैंड में कैसे बदला जा सकता है, तो इसका सीधा जवाब क्या होगा, इसका सीधा जवाब होगा बाय क्रेजियस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, यानी कि साहसिक और सुनियोजित तरीके से कदम उठाकर। क्लोजली कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। लेखक कहता है कि वाटर कंजर्वेशन की जो समस्या है, वही समस्या एफोरेस्टेशन की है, यानी कि जंगलीकरण के माध्यम से जो जो वाटर कंजर्वेशन की समस्या है उससे निपटा जा सकता है। कहने का मतलब, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलीकरण, और डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई, यानी कि जंगलों का नष्ट होना। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेखक क्या कहता है कि यदि हम वाटर सप्लाई के लिए कोई वाटर कंजर्वेशन के लिए यदि कोई उपाय करते हैं, तो उन उपायों का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, एफोरेस्टेशन होता है, यानी कि हम यदि जंगलों का निर्माण करेंगे, हम यदि जंगलों को बचाएंगे, तो इससे सबसे बड़ा काम क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा। अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, यानी कि सभ्य जंगलों से आप क्या जानते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं टेम्प्ड फॉरेस्ट, इसको आप कह सकते हैं मैनमेड फॉरेस्ट, यानी व्यक्ति के द्वारा डेवलप जो जंगल हैं, उन जंगलों के बारे में आप क्या जानते हैं, और जो जंगली जंगल होते हैं, सेल्फ डेवलप जो जंगल होते हैं, उन जंगलों से ये कैसे अलग होते हैं। तो देखिए क्या कहता है लेखक, द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सूटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इन इम्पॉसिबल एरियाज एंड The development of what one can call civilized forest. लेखक कहता है कि संभव और असंभव जगहों के ऊपर well planned, या फिर अपन ये कहें systematic जो planting होती है, एक सुनियोजित तरीके से जो planting की जाती है, वह planting civilized forest कहलाती है, यानी व्यक्ति के द्वारा possible और impossible areas में planting करके और उस क्षेत्र को डेवलप करना या उन जंगलों को डेवलप करना सिविलाइज्ड फॉरेस्ट कहलाता है। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स, ये जंगल जो वाइल्ड जंगल्स होते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो जंगली जंगल होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो अनटेम्ड जंगल्स होते हैं, मतलब जिनकी जिनका पालन पोषण नहीं किया जाता है, उन जंगलों से अलग होते हैं।
अलग किस तरीके से होते हैं, वह कौन सा ऐसा कार्य है जो कार्य सिविलाइज्ड फॉरेस्ट तो करते हैं लेकिन अनटेम्ड जंगल नहीं करते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया। आज भारत में ऐसे जंगलों की आवश्यकता है। किस प्रकार के जंगलों की आवश्यकता है भारत में? भारत में आज किस प्रकार के जंगलों की आवश्यकता है? भारत में आज सिविलाइज्ड फॉरेस्ट की आवश्यकता है। किसके लिए सिविलाइज्ड फॉरेस्ट की आवश्यकता है? फॉर वाटर कंजर्वेशन और फॉर चेकिंग द सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। और दूसरी बात कौन सी? दूसरी बात है वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए। सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। लेखक कहता है कि इस प्रकार की प्लांटेशन, इस प्रकार का जंगलीकरण, इस प्रकार का पौधारोपण देश के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनटोल्ड वेल्थ है, यानी कि इतनी बड़ी धन संपदा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन वर्ड्स, यानी कि ऐसी वन संपदा है, इतनी बड़ी धन संपदा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दे वुड चेक सॉइल इरोजन। देखिए सिविलाइज्ड फॉरेस्ट के महत्व, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डज सिविलाइज्ड फॉरेस्ट प्ले, यानी कि कौन सा महत्वपूर्ण रोल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट प्ले करते हैं, जवाब देखना। दे वुड चेक सॉइल इरोजन, ये जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और बरसात के पानी को बहकर नष्ट होने से बचाते हैं। दो महत्वपूर्ण काम सिविलाइज्ड फॉरेस्ट करते हैं, कौन कौन से? नंबर एक, ये सिविलाइज्ड फॉरेस्ट क्या करते हैं? ये सिविलाइज्ड फॉरेस्ट मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और दूसरी कौन सी बात, दूसरी सबसे बड़ा काम कौन सा करते हैं? दूसरा सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि बरसात का पानी जो देश के अंदर बहकर और नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये उस बरसात के पानी को बहकर नष्ट होने से बचाते हैं। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, इसके साथ साथ ये जंगल सस्ता ईंधन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ ये जो जंगल है ये सस्ता ईंधन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्जन ऑफ फार्मयार्ड मैनोर इन द इनटू अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, और जो खेत की खाद होती है जिस खाद को हम ईंधन के रूप में जला लेते हैं, उस ईंधन के रूप में जलाई जाने वाली खाद को भी ये बचाता है, क्योंकि जब हमें सस्ते में कोई ईंधन प्राप्त हो जाएगा तो जो मैन्योर है खेत की, जो खेत की खाद है, उस खाद को हमें ईंधन के रूप में जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो काम हो जाएंगे, हमें ईंधन भी सस्ता मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो खेत की खाद है वो खाद के रूप में काम में आएगी, जिससे हमारी जमीन का जो उपजाऊपन है वो उपजाऊपन बना रहेगा। The measures necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve subsidiary purpose of value to the life of the countryside. देखिए लेखक ये कहता है, क्या कहता है कि पानी के बहाव को रोकने के उपाय, पानी के बहाव को रोकने के जो उपाय हैं, एंड कंजर्व इट सप्लाईज, और इसका संरक्षण करने के जो उपाय हैं, यानी पानी को रोकने के, पानी के बहाव को रोकने का उपाय, पानी का संरक्षण करने का जो उपाय है, इस उपाय का क्या फायदा होता है। ये सब्सिडरी पर्पस, कहने का मतलब एक सहायक उद्देश्य को और पूरा करती है, और सहायक उद्देश्य कौन सा? देहाती क्षेत्र का कंट्रीसाइड, यानी कि पानी का संरक्षण या पानी का बचाव या पानी के बहाव को रोकने के जो काम है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों के जीवन के अंदर एक सहायक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और कौन सा सब्सिडरी पर्पज है, देखिए, बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री इज बाय बोट्स एंड बाजेस थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स। पानी के इकट्ठा होने से, पानी के कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं उनको वाटर ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से, या नहर और नदी के अंदर नाव लेकर और बार्जेस लेकर एक व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से कनेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता मिल जाएगा। आपको पता है नाव से जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कोई फ्यूल खर्च नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं
उनको इंटरनल वाटरवेज मिल जाएंगे, उनको आंतरिक जलमार्ग मिल जाएंगे और ये उनके जीवन में, जीवन के अंदर विकास में चार चांद लगा देगा। और दूसरी बात कौन सी है, वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। लेखक कहता है कि हमने सड़क और रेल निर्माण के कामों के बारे में तो बहुत सुना है, आपने देखा होगा रेल निर्माण के बारे में बहुत सुना है, सड़क निर्माण के बारे में बहुत सुना है। जो सरकारें होती है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, इतने लाख करोड़ रुपए का पैकेज या इतने लाख करोड़ रुपए इस नेशनल मार्ग के लिए, इस 6 लाइन मार्ग के लिए, इस 4 लाइन मार्ग के लिए, इस प्रकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन लेखक क्या कहता है, बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। लेकिन हमने कभी भी भारत में इंटरनल वाटरवेज के बारे में नहीं सुना है, यानी भारत में आज तक किस बात की कमी रही, भारत में सरकारों ने कभी भी इंटरनल वाटरवेज के ऊपर काम नहीं किया, भारत में सरकारों ने कभी भी जो इंटरनल वाटरवेज है उनके डेवलपमेंट की बात नहीं की, रेल बनाने की, रोड का कंस्ट्रक्शन करने की, बड़े 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 जो प्रोग्राम्स हैं वो करते हैं, लेकिन कभी भी इंटरनल वाटरवेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनल वाटरवेज के ऊपर बहुत काम कर रही है, इंटरनल वाटरवेज के ऊपर काम चल रहा है काफी देरी से सही, लेकिन अभी इंटरनल वाटरवेज पे काम चल रहा है। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज आल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और इसके साथ साथ आपको पता है कि पानी का जो कंजर्वेशन होता है उससे जल विद्युत मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जल विद्युत, इससे जल विद्युत उपलब्ध होती है, जल विद्युत का विकास होता है, जल विद्युत बनाई जा सकती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक द ट्रेमेंडियस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। और बेटे आपको पता होना चाहिए यदि विद्युत की उपलब्धता है तो विद्युत की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र के विकास में या ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि विद्युत की उपलब्धता है तो ऐसे के अंदर क्या किया जा सकता है, नए उद्योग लगाए जा सकते हैं, विद्युत की उपलब्धता है तो जो घरेलू उद्योग होते हैं वो चलते रहेंगे, और विद्युत की उपलब्धता किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के जीवन को विकसित करने में चार चांद लगा देती है, विकसित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो पानी के संरक्षण से क्या क्या किया जा सकता है, देखिए गांवों में पानी के संरक्षण के सबसे बड़े फायदे क्या है, नंबर एक इंटरनल वाटरवेज मिल जाएगा, चीप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, इसके साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो जीवन है उस जीवन को काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जीवन को बदला जा सकता है, ये इसके ग्रामीण क्षेत्र के फायदे हैं। एंड एनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस। और इलेक्ट्रिसिटी के मौजूद होने से, उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्र की जो इकोनॉमी है, ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उसको डेवलप किया जा सकता है। यानी आज किसी गांव की अर्थव्यवस्था जितनी है, जिस लिमिटेशन में है, उसको वहां से काफी इंक्रीज किया जा सकता है, काफी बढ़ाया जा सकता है। इन पर्टिकुलर इट वुड एनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन इट प्रेजेंट एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज arising from irregularity or inadequacy of the source of supply. Hydroelectricity उत्पन्न करने का एक फायदा और होता है कि यदि आप hydroelectricity उत्पन्न करते हैं तो उसकी जो क्रिया है उस क्रिया से जमीन के अंदर पानी की पहुंच काफी गहराई तक पहुंच जाती है, यानी कि पानी काफी गहराई तक चला जाता है, काफी लंबे क्षेत्र तक चला जाता है। और इसका फायदा ये होता है यदि कभी बारिश की कमी होती है, यदि कभी बारिश की अनियमितता होती है, यदि कई बार पानी की कमी होती है तो उसकी आपूर्ति उस जमीन के पानी से की जा सकती है। इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड। लास्ट वाली इस पैराग्राफ पर बहुत विशेष तौर से ध्यान देना। इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड। एक अर्थ में तो अपन ये कह सकते हैं कि पानी समस्त तरल पदार्थों में सबसे सामान्य पदार्थ है। एक बात तो ये हो गई
पानी समस्त तरल पदार्थों में सबसे सामान्य पदार्थ है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे सामान्य पदार्थ क्यों है, तो जवाब होगा बिकॉज इट कैन बी फाइंड आउट इजीली एंड विदाउट इन्वेस्टिंग मच मनी, क्योंकि बिना ज्यादा पैसा खर्च किए और आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। आज देखिए, आप कहीं भी जाकर एक बोतल पानी के ले लीजिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल दूसरे जो तरल पदार्थ है उनको लेने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सामान्य लिक्विड इसलिए है क्योंकि मनुष्य को आसानी से प्राप्त हो जाता है। इन अनदर सेंस इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज। और दूसरे अर्थों में अपन बात कहें कि ये सबसे ज्यादा अनकॉमन पदार्थ है। कैसे? ये सबसे ज्यादा असामान्य पदार्थ है। इट इज द मोस्ट अनकॉमन लिक्विड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। अपनी प्रॉपर्टीज के कारण ये सबसे असामान्य पदार्थ है। कौन सी प्रॉपर्टीज? विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ। यानी कि वह प्रॉपर्टीज जो मनुष्य और पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब दो अर्थ लेखक ने बताए। एक तरफ पानी बिल्कुल सामान्य तरल पदार्थ है, जितने भी तरल पदार्थ है उन सब में सामान्य है। क्यों है सामान्य? इसलिए सामान्य है बिकॉज इट कैन बी फाइंड आउट इजीली, क्योंकि आसानी से मिल जाता है, बिना ज्यादा पैसा किए खर्च किए मिल जाता है। और दूसरी तरफ क्या है? ये सबसे ज्यादा अनकॉमन है। ये सबसे ज्यादा अनकॉमन है। सबसे ज्यादा अनकॉमन क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज। जीवन देने वाली इसकी प्रॉपर्टीज के कारण ये सबसे ज्यादा असामान्य पदार्थ है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। इसलिए पानी की प्रकृति के ऊपर, इसलिए पानी की प्रॉपर्टी जो है, वो पानी की जो नेचर है, वो नेचर बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट का मैटर है, यानी बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रुचि का मामला है। एंड इज फार फ्रॉम बीइंग एन एक्सेस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च। और एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी रिसर्चर को थकान नहीं होती, यानी कि आप अथक बिना थके इसके ऊपर लंबे समय तक रिसर्च कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका ये चैप्टर था। एक बार अबाउट द चैप्टर और पढ़ लीजिए, अबाउट द लेसन। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 to 1970। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 1888 में हुआ था। 1970 में फिर वो परलोक सिधार गए थे। पॉपुलरली नॉन एज प्रोफेसर सीवी रमन, इनको प्रचलित रूप से प्रोफेसर सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। वाज बोर्न इन साउथर्न इंडिया, इनका जन्म दक्षिणी भारत में हुआ था। एंड डेवोटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ साइंस एंड रिसर्च। और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान और शोध के लिए बिता दिया था। He was awarded the Nobel Prize in Physics. Physics के अंदर इनको Nobel पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। The theory he expounded is called the Raman effect. जिस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, उस सिद्धांत को रमन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। He worked to popularize science by using an easy, charming and witty style. इन्होंने विज्ञान को पॉपुलराइज करने का काम किया, इन्होंने विज्ञान को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया। कैसे दिया? By using an easy, charming and witty style, यानी बड़ी ही आसान, आकर्षक और बुद्धिमता जो शैली थी, उस शैली में साइंस को पढ़ाकर, उस शैली में साइंस की बातें करके इन्होंने साइंस को पॉपुलराइज करने का काम किया। विच इज फ्री फ्रॉम साइंटिफिक जैगरॉन। और देखो, जारगोन का मतलब होता है जटिलता। इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो भाषा थी, वो जो वैज्ञानिक जटिलता से मुक्त थी। He is deeply rooted in the beauty of nature. प्रकृति के सौंदर्य में इनकी जड़ें काफी गहराई तक थी। इंडियन आर्ट एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस, और उतने ही ये भारतीय कला और प्राचीन प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए थे। द ऐसे वाटर इज जेन्युइन अपील फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया इन पर्टिकुलर अवर एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो निबंध है पानी, ये एक सच्ची विनम्र अपील है पानी के कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिया, भारत के वेलफेयर के लिए, भारत के कल्याण के लिए। क्यों? इन पर्टिकुलर एज अवर एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज।
क्योंकि खास तौर से हमारी जो कृषि है वह इस प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करती है। दिस एसे प्रेजेंट वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। यह जो निबंध है ये जो निबंध है ये पानी को जीवन के आधार के रूप में बताता है, ये पानी को जीवन के आधार के रूप में बताता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले इसके क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेशनल प्रॉब्लम। तो लगा दियो आपने, देखिए थोड़ा मुड़वा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बहुत मुड़वा हो गई है नेशनल प्रॉब्लम। ओके रैंक लगवाने के यार को बनवा लिया हूं भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इससे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। मैं 5 क्वेश्चन दूंगा आपको, फटाफट फटाफट लिखते लिख लीजिएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, what do you know about civilized forest? How are they दिखाएगा डिफरेंट फ्रॉम अनटेम्ड जंगल्स। और ये जो अनटेम्ड जंगल्स होते हैं इनसे किस प्रकार से अलग हैं। इसके बाद में देखिए व्हाट इंपॉर्टेंट रोल इंट्रीपिंग। What important role do civilized forests play? इसके अलावा देखिए इसी के आप और लिख सकते हो, वोट आर द बेनिफिट्स पर्सन है ऑफ सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। वोट आर द इम्पोर्टेंस और वोट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। ये हो सकता है और देखिए सब्सिडी रोल व्हाट सब्सिडी रोल बपन बन गई कितो लेना फुटो दुकानदार होके बनियान दिखाओ नरी पकड़ी हां जी लोग तो रखना समोसा सा चटनी तो बन गई। मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्ले इन द रूरल एरियाज। और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इन व्हाट वेज या हाउ इज वाटर बाथ द कॉमनेस्ट एंड द कॉमनेस्ट एंड the most
अनकॉमन लिक्विड्स। लिक्विड्स ये 5 क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा देखिए, जब भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार टैग स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए बेटा। वॉइस शॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? हैव यू डन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, अभी तो 2-4 बच्चों का आया है। डन सर। दिव्या कुमावत डन, और कौन है? शीतल कुशवा डन, प्रीत शर्मा ने भी ले लिया, अजय चौधरी ने ले लिया। जल्दी करो, जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब एक वो थर्ड पैराग्राफ तीसरी लाइन कौन था, क्या था, क्या पूछ रहा था एक बार बच्चा, कोई था शायद, अभी मैंने देखा था। अंकित आर डिस्टर्बिंग सो मच। अंकित, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ये प्राइवेटली मैसेज, और मैंने बार बार मना कर रखा है, प्राइवेटली मैसेज कोई नहीं करेगा। ये राहुल, क्यों प्राइवेटली मैसेज करते हो? जो भी बच्चा क्लास में डिस्टर्ब करता है, आप उसका उसके बारे में मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि सर ये बच्चा इस क्लास से और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, मैं आगे से उस बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप से हटवा दूंगा, यानी कि लाइव क्लास से उसको हटा देंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? यदि देखो बेटा, मीटिंग का टाइम हमारे पास। सर, कैन यू प्लीज गिव मी ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरा थर्ड? सिमरन राठौर, पैरा थर्ड ऑफ थर्ड पेज, तीसरे पेज का पैरा थर्ड क्या है बेटा? तीसरे पेज का पैरा थर्ड देखता हूं क्या है। ये तीसरा पेज का 1, 2, 3 क्लोजली कनेक्टेड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई प्रॉब्लम डेवलपमेंट सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। बेटा ये पैरा ये कहता है कि पानी के संरक्षण के जो उपाय हैं वो मिट्टी के वो जंगलीकरण से संबंधित है, यानी कि यदि हम जंगलों का निर्माण करेंगे तो वाटर कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही दूसरी बात और है, क्या है कि सिविलाइज्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनटेम्ड जंगल होते हैं और एक होते हैं सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। तो सिविलाइज्ड फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी हमारे देश को आवश्यकता है, क्योंकि सिविलाइज्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट वाटर कंजर्वेशन में और चेकिंग सोइल इरोजन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनटेम्ड जंगलों से अलग होते हैं, क्योंकि जो अनटेम्ड जंगल होते हैं, जो सेल्फ डेवलप्ड जंगल होते हैं, वो पानी के बहाव को रोक नहीं पाते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक नहीं पाते हैं। समझ गए बेटा? इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अंकित बेनीवाल का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ करवा। अंकित बेनीवाल कौन है भाई? अंकित बेनीवाल क्यों वीडियो ऑन है तेरा? कल से कोई भी स्टूडेंट अपना ऑडियो और वीडियो क्लास के दौरान चालू नहीं रखेगा, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। एनी डाउट? और कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट हो? बताओ बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी बताओ। एनीबडी एल्स टेल मी एनी डाउट? नो सर, नो सर। जो कंप्रेंशन क्वेश्चन है वो किताब के वो पूरे करने हैं, एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए हैं उसको करते समय आप कॉपी के ऊपर हेडिंग डालेंगे एडिशनल क्वेश्चन, यानी कि क्लास आवर क्वेश्चन लिखेंगे आप। जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखवाए हैं उन क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप ऊपर हेडिंग डालेंगे क्लास आवर क्वेश्चंस। समझ गए स्टूडेंट्स? और एक दूसरी बात, यदि मेरा लिखाया हुआ कोई क्वेश्चन आपके कंप्रेंशन क्वेश्चन में भी मिलता है तो उस कंप्रेंशन क्वेश्चन को दोबारा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।